वेलकम टू माई चैनल कुक बुक। इस ऑरेंज आसमान के साथ आज करते हैं हम अपनी रेसिपी का आगाज़। आज की हमारी रेसिपी है ओट चॉकलेट कुकीज़। ये बहुत ही इजी कुकीज़ हैं, आप आराम से इसको घर में बेक कर सकते हैं। ये कुकीज़ अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत च्यूई और बहुत मज़ेदार। रेसिपी बहुत सिंपल है। ओट चॉकलेट कुकी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 कप ओट्स, ये नॉर्मल ओट्स हैं पैकेट के, 1 कप मैदा, आधा कप कोकोआ पाउडर, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर, और सिनेमन पाउडर दालचीनी का पाउडर मतलब, और नमक 1 पिंच, 1 चुटकी नमक। इसके अलावा 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, 1 कप चीनी और आधा कप तेल। बेकिंग में अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर के यूज़ करने चाहिए। अब हमें ओट्स, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, सिनेमन पाउडर और सॉल्ट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो ड्राई हैं वो हमें मिक्स वो सब मिक्स कर लेने हैं। इसके बाद हमें अंडे, चीनी, तेल, तेल घी या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं, इस आपकी अपनी चॉइस है, जो भी लेंगे वो आधा कप ही होगा। दो अंडे, 2 अंडे हमें बीट कर लेना है इनको अच्छी तरह, जितना बीट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ब्राउन शुगर बीट बहुत मुश्किल से होती है, तो आप जो है वो उसको पहले ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने वाइट शुगर यूज़ की है। इसके बाद मैंने बीटर का चेंज किया है बीट डो बनाने के लिए। इसका जो हैंडल होता है या जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है अपरेटस, वो चेंज किया है और अब मैं डो बनाऊँगी। डो बनाने के लिए जितना भी मिक्सचर हमने जो मिक्स करके रखा था मैदे ओट्स का वो हम और कोको पाउडर वगैरह का वो हम इसमें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। डो जो है वो स्टिकी सा बनेगा, बिल्कुल स्मूथ या केक की तरह नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें ऐड करें।
आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रेटस का इस्तेमाल करें तो ही डो बनेगी, आप इसको हाथ से नॉर्मली जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह भी बना सकते हैं। ये बैटर इसका रेडी हो गया, ये स्टिकी सा बैटर है, थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमारा पैन है, उसको हम ग्रीस करेंगे। इस डो को बनाने के लिए आपको अपने हाथों को ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये डो बहुत स्टिकी होता है, तो अगर आप उसको अपने इसी तरह हाथों से बनाएंगे तो वो सही आपके हाथों पे बहुत चिपकेगी और बहुत वेस्ट होगी और शेप भी सही नहीं आएगी। इसीलिए पहले अपने हाथों को आप ग्रीस करें ऑयल से और फिर आप इसको शेप दें। ये रोलिंग पिन से भी रोल नहीं होगी। कुकी बनाने ये भी आराम से 30 मिनट तक इसको बेक करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको ओवर बेक नहीं करना क्योंकि ये सॉफ्ट कुकीज़ होते हैं अंदर से, तो 30 मिनट्स बहुत हैं। आप अपने ओवन के हिसाब से भी बीच में चेक कर सकते हैं, लेकिन 20 मिनट से पहले ओवन ना खोलें तो अच्छा है। ये हमारी कुकीज़ रेडी हो गए, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसमें चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब